गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चले प्रोनाउन का चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में क्या चल रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में जो लास्ट वीडियो थी, रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर बट का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया था। अब आज जो डिफाइनिंग क्लास, ऐसा डिफाइनिंग क्लास जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन कब आती है? अब प्रयोग होता ही नहीं है, सवाल ये उठता है कि प्रयोग होता ही नहीं है तो इंग्लिश सेंटेंस में तो नज़र ही नहीं आएगा, तो क्या हिंदी सेंटेंस में भी नज़र नहीं आएगा? हिंदी में आएगा। हिंदी बात में क्या करेंगे आप? रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे लेकिन इंग्लिश में नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन कब आती है? ठीक, तो आज की वीडियो से आप यही जानेंगे। हेडिंग क्या है? ये डिफाइनिंग क्लास कहिए और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, दोनों सेम है। शुरू से पढ़ते आए हैं आप। विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन मेन चीज ये ऐसा कब? देखिए, ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ओके? तो दो कंडीशन आती है, दो स्ट्रक्चर मैंने दिया। जो एंटीसीडेंट बैठेगा या तो ऑब्जेक्ट या तो कंप्लीमेंट या सब्जेक्ट, ठीक? यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्द एंटीसीडेंट या तो प्रिंसिपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या तो कंप्लीमेंट बनेगा। ये शुरू से आप पढ़ते आए हैं, कई वीडियोस हो गई। ये क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा। इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए, ये क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा। ठीक, अब इसके बाद दोनों ही परिस्थितियों में क्या आएगा? चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर एंटीसीडेंट हो, चाहे ऑब्जेक्ट, चाहे कंप्लीमेंट, तीन कंडीशंस आ रही है ना। इस कंडीशन में पूरा पीसी कंप्लीट होगा, उसके बाद डिवाइनिंग क्लास शुरू होता है। और इस कंडीशन में प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट आता है, फिर डिवाइनिंग क्लास आता है, और फिर क्या आता है? प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट आता है। स्ट्रक्चर डन है, पीछे से आप पढ़ते हुए आइए। दोनों ही स्थितियों में इनके बाद एंटीसीडेंट के बदले में क्या प्रयुक्त होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या प्रयुक्त होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? अब चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका शुरू होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। क्या होता है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब चलिए, तो ये ड्राफ्ट हो जाता है। अब ड्राफ्ट कब होता है इसकी कंडीशन आपको जानी है, यानी अंडरस्टूड कर दिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन वो क्या कर दिया जाता है? अंडरस्टूड किस कंडीशन में किया जाता है, यही चीज आपको ध्यान देना है।
अब चलिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, यहाँ का जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस। पहली बात नोट कर लीजिए, फिर ये कभी आपको भूलेगा नहीं। क्या होगा भैया? ऑब्जेक्टिव केस। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा तो डिफाइनिंग क्लॉज स्टार्ट किससे होगा? सब्जेक्ट से। किससे होगा? सब्जेक्ट से। यानी डिफाइनिंग क्लॉज में हम क्या प्रयोग करेंगे? हम इसको साइड में लिख देते हैं, जगह ज्यादा स्पेस ले रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। भाई आप पढ़ते आ रहे हो, हमारे स्टूडेंट बन गए हो, इतना तो आएगा ना आपको, वो बार ऑब्जेक्टिव के। चलिए, अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट तो कंजंक्शन से होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता होता है ना। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन तो हम अंडरस्टूड करने जा रहे हैं, तो ये किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा? वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आएगा बोलिए? अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स आया नहीं आया, ठीक ना, उससे हमारा मतलब नहीं, हमने फुल सेंटेंस लिख दिया। यहाँ वर्ब क्या होगा? ऑलवेज बीटी, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? बीटी होगा, प्लास्टिक वर्ब होगा। तो दो चीजें आपने सीखा, क्या सीखा? जब भी डिफाइनिंग क्लॉज को स्टार्ट करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो और डिफाइनिंग क्लॉज की क्रिया प्लास्टिक वर्ब, तो ऐसी दशा में रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्लास्टिक वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्लास्टिक वर्ब हो जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों होता है, हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा भैया? ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा बोलिए? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्टी क्या वो हो जाएगा। कुछ समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के बदले में करते हैं, नाउन के बदले में करते हैं। इसका यह मतलब है कि जो हमारा एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट के बदले में हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं। सीधा सीधा शुरू से ही डिफाइनिंग क्लॉज क्या करता है? ये इस एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। इसको करता है, एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। तो एंटीसीडेंट के बदले में ही रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो यह एंटीसीडेंट क्या होता है? इस डिफाइनिंग क्लॉज की क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। चूंकि एंटीसीडेंट इसका ऑब्जेक्ट होता है, भले ही वो प्रिंसिपल क्लॉज में है। मैं अभी इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक। तो इसके बदले में प्रयुक्त होने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये भी तो डिफाइनिंग क्लॉज की क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब फाइनल आपका रिजल्ट क्या मिला? यदि रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइनिंग क्लॉज या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे अंडरस्टूड रखा जाता है। कहाँ पर? अंग्रेजी वाले, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। हिंदी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब सीधे हम एग्जांपल पर आते हैं। दोनों स्ट्रक्चर हम यहाँ दे दिए हैं, देखिए यहाँ पर हम दोनों स्ट्रक्चर दे दिए हैं। पहले स्ट्रक्चर में ये है सीधे डिफाइनिंग का, और दूसरे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रिंसिपल क्लॉज आया। या तो कहिए हम स्ट्रक्चर बनाए दोनों, तो कोई मतलब नहीं। इसके लिए क्या करिए, रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो है, हम क्रम से बनाते आ रहे हैं, उसको आप
देख लीजिए, सीधा हम एग्जाम्पल पर आते हैं। अब देखिए फालसा, इसको समझ लीजिए फिर जीवन में कभी भूले जाए। हम कहते हैं आई, क्या है जी, लाइक कॉफी। ये सेंटेंस हमने लिखा आई लाइक कॉफी, तो प्रिंसिपल क्लास हमने पूरा लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो लाइक होगा टास्टिंग वर्ब होगा और ये होगा ऑब्जेक्ट, इसका प्रिंसिपल क्लास की क्रिया, ठीक। अब इसे हम इस ऑब्जेक्ट को एंटीसीडेंट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जाते हैं? एंटीसीडेंट बनाने जा रहे हैं। अब इसका मतलब यहाँ बैठाएंगे इसके स्थान पर, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब चलिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं क्या बीच आदमी बैंड, क्या लिखते हैं भैया, बीच आदमी बैट, ठीक है ना काफी। उसके बाद लिखते हैं यू मे, क्या लिखते हैं, यू मे। सेंटेंस पूरा हो गया, बोलिए सेंटेंस पूरा हो गया ना। अब चलिए तो जो सामान्य हमारा नियम है क्या, लेटिव प्रोनाउन लगाकर, ऐसा नहीं है कि लगा देंगे तो वो गलत होगा, ऐसा नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली नहीं लगता है। तो कब नहीं लगता ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपका सेंटेंस है। अब ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ से आपका क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, बोलिए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, ओके। अब आपको बस यही चीज कैच करना है कि यह क्या है रिलेटिव प्रोनाउन इस डिफाइनिंग क्लास क्रिया मेक का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको ड्रॉप कर दीजिए, और देखिए ये केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि है, देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट लगा और ये लगा है, ये चीज बताए, और यहाँ पर ये वर्ब लगा है। सवाल है कि वर्ब ट्रांसटिव है कि इंट्रांसटिव। अब इसे देखिए, ये क्या भैया, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ, ये तरीका मैंने आपको सिखाया है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका पता करना है कि क्या रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइनिंग क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट है, अर्थात मेक का ये ऑब्जेक्ट है, पता करिए। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, और एक जगह हम यहाँ छोड़ देते हैं इंग्लिश के लिए, और इसकी हिंदी बना देते हैं। मैं यहाँ एक चीज मिस हो गया मुझसे, सॉरी इसके लिए, यहाँ पर द लगेगा, क्या लगेगा, क्योंकि ये एसआर में है, क्या होगा, एसआर में स्पेसिफिक रेफरेंस है, तो यहाँ आपकी द लगेगा, ठीक ना। तो अब क्या लिखेंगे, आई लाइक द कॉफी। चलिए मैं उस काफी को पसंद करता हूं। ध्यान दीजिए, पहले आप लगा करके और ट्रांसलेट कर दीजिए, सबसे सरल तरीका, बहुत मतलब ईजी ट्रिक बता दे रहा हूँ इसको सीखने का। तो हम टारगेट करते हैं, मैं उस काफी को, उस कहाँ से भैया, आर्टिकल तब जब मैं यहाँ आया हूँ तुरंत याद आ गया, ठीक ना, कि नहीं डर लगेगा, तो उस इस पर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, उस क्या कर रहा है, काफी पर स्ट्रेस पैदा कर रहा है, तो उसकी अंग्रेजी दो हो जाएगी, यानी दी, आई लाइक दी काफी, ठीक है, पसंद करता हूँ जिसे, जो नहीं, बोलचाल में कहते हो कि जो तुम बनाते हो, चलेगा,
लेकिन कायदे से ऑब्जेक्टिव के साथ करना चाहिए, जिसे होना चाहिए। तो जिसे क्या हो गया, तुम बनाते अब चलो हो गया, जिसे तुम बनाते। अब फाइनल स्टेप पर हम आते हैं, तरीका क्या है, आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है कि मैं का ऑब्जेक्ट कौन, ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं उस काबी को पसंद करता हूं जिसे तुम बनाते हो। प्रश्न क्या होगा, तुम क्या बनाते हो भैया, अरे तुम क्या बनाते हैं, यानी वह क्या बनाता है, भाई तुम की जगह हम यह वह भी तो लगा सकते हैं, मैं उस काबी को पसंद करता हूं, पहले विच आर दी दैट ही मेक्स बना लिख सकता हूँ, सी मेक्स लिख सकता हूँ, जिसे वह बनाती है, जिसे वह बनाता है। तो प्रश्न करो वह क्या बनाता है, उत्तर क्या मिलेगा, काफी बोलो मिल गया। मेक का ऑब्जेक्ट ज्ञात करने का तरीका अपनाओ, वह तुम क्या बनाते हो भैया, उत्तर मिलेगा काफी, बोलो काफी मैं का क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कहोगे ये तो प्रिंसिपल क्लास में लाइक का है, हाँ लाइक का भी ऑब्जेक्ट है और मैं का भी ऑब्जेक्ट है, काफी बनती है तब ना मैं लाइक करता हूं, तो दोनों क्रियाओं का वो ऑब्जेक्ट है, भले ही वो कहा है यहाँ है, लेकिन अब इसे हम उठा करके रिपीट तो नहीं कर पाएंगे अगले क्लास में, सेम नाउन को बोलिए, सेम नाउन को हम अगले क्लास में रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, ये नियम नहीं ना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो ग्रामेटिकल रूल है, उसके अनुसार क्या करिए, नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग कर दो ना, बोलो। तो नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग हमने कर दिया, बोलो काफी क्या है, मेक का भी ऑब्जेक्ट है और लाइक का भी ऑब्जेक्ट है, दोनों का है, तुम जो काफी बनाते हो उसी को तो मैं पसंद करता हूं, तो ये काफी जो है दोनों का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने प्रश्न क्या किया, तुम क्या बनाते हो, मान लिया हीरा था सी, तो हम क्या करते, वह क्या बनाती है, उत्तर मिलेगा काफी। फिर प्रश्न करो मैं क्या पसंद करता हूं, उत्तर मिलेगा काफी। तो काफी तो दोनों का ऑब्जेक्ट हो गया भैया। अब चलिए, तो अब इस काफी को हम दोबारा तो नहीं यहां लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे प्रोनाउन का प्रयोग कर दे जो मेक का क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट भी बन जाए, क्या हो जाए, यानी काफी के बदले में ऐसे प्रोनाउन का हम प्रयोग कर दे जो मेक का क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट ही बन जाए, और दोनों वाक्यों को जोड़ भी दे। तो ऐसा प्रोनाउन कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन है। अब चलो, अब वो रिलेटिव प्रोनाउन किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहां पर विच आर नी दैट किस केस में है, देखो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, इसको ड्राफ्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ड्राफ्ट। तो जो क्वेश्चन पढ़ के आता है पेपर में, जनरली ड्राफ्ट मिलेगा यानी अंडरस्टूड मिलेगा, तो ट्रांसलेशन करते समय तो हम निकालेंगे, ये देखो जिसे हिंदी में तो हम निकालेंगे अर्थ इसका, लेकिन अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, तो ड्राफ्ट कर दिया भैया। अब ड्राफ्ट कर दिया तो क्या मिला, ये देखिए, ओ जनरली जो है ड्राफ्ट नहीं मिलेगा, आई लाइक दी का कॉफी विच, सॉरी ड्राफ्ट करना है। तो अब हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, एक बार हमने लिख दिया तो सही तरीका क्या है, आई लाइक द कॉफी यू का मेक। अब ऐसा लिखा रहेगा आप कंफ्यूज हो, अरे अरे का लिखा है आई लाइक द कॉफी यू मेक, अर्थ नहीं निकाल पाओगे, अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे। अब ये किस स्ट्रक्चर में है बोलो, तो ये तो स्ट्रक्चर दिया हूँ डिफाइनिंग क्लास में, तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट में है ना, हाँ ये स्ट्रक्चर फर्स्ट में है भैया, शुरू से वीडियो देखते आओ। ठीक, अब अगर सेम चीज को तुम ले जाना चाहते हो कहाँ, स्ट्रक्चर सेकंड में, फर्स्ट में ये कहाँ है, देखो
यहाँ पर है ना क्रिस्पर क्लास कंप्लीट है, क्रिस्पर क्लास कंप्लीट है, उसके बाद एंटीसीडेंट कहाँ है ऑब्जेक्ट की जगह, फिर सीधे डिफाइनिंग क्लास। लेकिन सेकेंड में ले जाओगे तो सब्जेक्ट की जगह रहेगा, तो फिर डिफाइनिंग क्लास के बाद क्या आएगा, प्रिंसिपल क्लास आएगा, यानी प्रिंसिपल क्लास दो भाग में बढ़ जाएगा। तो सेम सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके हम सेकेंड स्ट्रक्चर में ले जा सकते हैं। देखिए कैसे, भाई जो तुम कॉपी बनाते हो वो क्या, मैं उस कॉपी को पसंद करता हूँ जिसे तुम बनाते हो, अच्छी होती है तब ना, क्या जी टेस्टी होती है तब ना, क्या करते हैं दूसरा सेंटेंस, दी कॉफी, ठीक यू, अब सीधा लिख रहा है या लिख करके उसी तरह से बता दो, नहीं तो कहोगे कि देखो इसमें डायरेक्ट लिख दिया, कुछ लोग भैया मोटी बुद्धि के है ना। तो अब क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, बीज लिखा, उसके बाद डैट लिखा, उसके बाद यू, और उसके बाद मेक। तो आप बताओ अभी भी तो मेक का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन साथ साथ किसका है, लाइक का था, अब लाइक तो नहीं लिख पाओगे ना। तो सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे क्या, डिफाइनिंग क्लास का, तो डिफाइनिंग क्लास का हम चेंज कर लिए, ये है वहाँ आपका डिफाइनिंग रेडी कर लिया है, तो जो बचा इधर वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आप इसको क्लास हो जाएगा, तरीका सीखो, हो गया ना, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, एंटीसीडेंट बन गया, हाँ किसका जी, बीच का बन गया, ठीक बीच का एंटीसीडेंट है ना ये, बोलो, और मैं प्रश्न वही आएगा, तुम क्या बनाते हो, तो ये मैं का ऑब्जेक्ट है कि नहीं बोलो, है ना, अरे एंटीसीडेंट किसका एंटीसीडेंट, बीच का, अब ये काफी का है, मैं का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, है, तो इसी के बदले में तो ये लगा है विच ऑब्जेक्ट दैट, तो विच ऑब्जेक्ट दैट क्या हो जाएगा, मेक का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेक का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये इसी केस क्या हो जाएगी, बोलो ऑब्जेक्टिव के साथ लेडी प्रोनाउन, अब वाक्य पूरा कर दो, क्या बचा है, प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट बचा है, प्रिंसिपल क्लास का प्रेडिकेट बचा है, तो लिख दो इज का जी टेस्टी, अरे टेस्टी है तभी तो मैं पसंद करता हूँ भैया, क्या हो गया, इसको वही रेट से लिख देते हैं भाई, हाँ क्या हो गया, यहाँ से ये प्रेडिकेट ऑफ पीस, बोलो तो स्ट्रक्चर हमारा कौन मिल गया, स्ट्रक्चर सेकेंड, यानी प्रिंसिपल क्लास दो भागों में डिवाइड, स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखो, हमने कहा हम सिस्टम से पढ़ाते हैं, शुरू से भी बोलता आ रहा, ठीक ना, वे थोड़ा एक ही दिन में, हाँ जब एक ही दिन में स्ट्रक्चर देंगे सब कुछ देंगे तब तो भाई मुश्किल है ना, समझना और समझाना मेरे बस का नहीं है, सीधा सीधा, ठीक ना। तो अब देखो हो गया कि नहीं, इसी तरह से बहुत से वाक्य, चलिए बहुत से वाक्य बना सकते हो, कुछ भी बनाओ, अब सीधे इसको क्या करो, काम कर दो, तो अब क्या करोगे, नहीं काफी क्या करोगे भैया, कॉपी कर दो, अब ये हो जाएगा ड्राफ्ट, कहा ये क्या हो जाएगा, यू मेक इज बोलो टेस्ट, हो गया कि नहीं, तो कहाँ से ड्राफ्ट है, यहाँ से देख रहे हो ना, हिंदी में तो मीनिंग निकलेगी, हिंदी में क्या मीनिंग निकलेगी, वह काफी ध्यान दो, आज के दस चैप्टर पढ़ो हमारी वीडियो, कौन सा मीनिंगफुल एंड मीनिंग लेस आर्टिकल, यहाँ पर मीनिंगफुल है आर्टिकल, ए एन तो मीनिंगफुल होता ही है, डब ही मीनिंगफुल होता है, और शायद ही इसको कोई जानता हो पढ़ाता हो, अभी बता दे रहा हूँ, तो ये भी जान लो यहाँ पर आर्टिकल, अरे ये द काफी नहीं है, दी काफी है, क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है,
इसका प्रोनाउंसिएशन दी है, ये जान लो मीनिंगफुल है दी, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हुआ काफी, क्या हो जाएगा, हुआ काफी, हुआ काफी जिसे जिसे तुम बनाते हो, क्या बनाते हो, जिसे तुम बनाते हो, जिसे तुम बनाते हो, कारी स्वादिष्ट है, देखिए बनाते हो स्वादिष्ट है नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक हो रहा है, स्वादिष्ट होती है नहीं, क्या जी बनाते हो, वह काफी जिसे तुम बनाते हो स्वादिष्ट होती है, क्या लिखोगे, होती है यानी बराबर होती है नहीं, है का मतलब एक ही बात, ठीक है। तो तब तो अर्थ इधर हो जाएगा कि जो तुम बनाए हो, तब क्या होना चाहिए, जो तुम बनाए हो, लेकिन यहाँ क्या अर्थ है, वह काफी जिसे तुम बनाते हो स्वादिष्ट होती है यानी हमेशा, ठीक ना, ये ऐसा अर्थ निकलेगा। अब इस तरह से आप सीधा अगर आप समझ लिए हैं, ठीक ना, तो विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक ना, का जो डिफाइनिंग क्लॉज है, कहीं भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या भैया, विच आएगा, दैट आएगा, हु भी तो आता है, हैं, बोलिए। अब हु पर एक एग्जांपल दे देता हूं, आई आल्सो लाइक, ध्यान दीजिएगा, दी बॉय, ठीक, होम यू लाइक, क्या लिखा, मैं भी उस लड़के को पसंद करता हूं जिसे तुम पसंद करते हो, बोलिए। इस लाइक है ट्रांसिटिव है ना, हा? तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, बोलिए, ऑब्जेक्ट हुआ, ये एंटीसीडेंट बन रहा है, तो एंटीसीडेंट बन रहा है इसका, इसका हूं का बॉय के लिए हूं आ रहा है, तो इस बॉय का, इस लाइक का भी तो बोलिए ट्रांसिटिव वर्ब है, तुम किसे लाइक करते हो, सीधा सीधा लड़के को, प्रश्न यहां से भी कर सकते हैं, मैं किसको लाइक करता, उस लड़के को जिसे तुम लड़के, जिस तुम लड़के को करते हो, तो दोनों लाइक का ऑब्जेक्ट यही है ना, बोलिए, दोनों लाइक का ऑब्जेक्ट यही है, तो ये जो हुम है ऑब्जेक्टिव केस में है, इस लाइक का भी क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसी के बदले में प्रयुक्त है, जब इसी के बदले में प्रयुक्त है तो बोलिए ऑब्जेक्टिव केस है, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, अरे किसका ऑब्जेक्ट है ये, इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ, ये तरीका सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, तो ऐसी स्थिति में कहा क्यों हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि जिस एंटीसीडेंट के बदले में आ रहा है वह एंटीसीडेंट इसका भी ऑब्जेक्ट है, साथ साथ इसका भी ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप कर दो, क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दो, सेंटेंस क्या बन जाएगा, बोलो, आई आल्सो लाइक दी बॉय, अब होम लिखने की जरूरत नहीं है, क्या जी, यू लाइक, और ये शख्स है कहाँ गया, फर्स्ट में, सीधा सीधा, तो इसमें होम नहीं आएगा,
नहीं लिखा जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास विदाउट रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी डाउट है तो बोलना, बताना, ठीक ना जी, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक, चले, थैंक यू।